नमस्कार। खुटी जिले की बड़ी खबरों का शुरुआत करते हुए बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नक्सली व पीएलएफआई के एक सक्रिय सदस्य फगवा मुंडू उर्फ जगाय को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि खुटी पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष शेखर को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि पीएलएफआई का एक सदस्य लेवी लेने मुरू थाना अंतर्गत ग्राम सर्वदा के आसपास आया हुआ है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने मुरू थाना प्रभारी विक्रांत कुमार को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देश दिया, जिस पर कि मुरू थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुरू थाना क्षेत्र के ग्राम सर्वदा के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और पीएलएफआई का पर्चा व चंदा रसीद बरामद किया गया है। अगली खबरों में बता दें कि झारखंड के पूर्व मंत्री सह खूंटी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने खूंटी नगर पंचायत के आम जनताओं के लिए टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया है। आम जनताओं की समस्याओं को देखते हुए माननीय विधायक महोदय द्वारा यह एक सराहनीय कदम उठाया गया है। खूंटी के अलग अलग मोहल्लों में टैंकर के पहुंचते ही पानी लेने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। पानी मिलने के बाद लोग काफ़ी खुश नजर आए। इसके साथ ही लोगों ने अपने अपने अंदाज में माननीय विधायक महोदय का धन्यवाद किया। खबरों में आगे बता दें कि तोरपा विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री कोचे मुंडा के साला को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक संतोष मुंडा अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके घर वालों को सौंप दिया है। इस बारे में पुलिस द्वारा अनुसंधान जारी है। वहीं पुलिस द्वारा अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद भी जताई गई है। खबरों में आगे बता दें कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों में आज मजदूर दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मजदूरों ने सरकार से मजदूरी में वृद्धि एवं समय पर मजदूरी भुगतान करने की भी मांग रखी। साथ ही जीवन सुरक्षा एवं बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराने के संबंध में भी मांग रखी। खबरों में आगे बता दें कि खूंटी जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री शाहजादा खान के माताजी का आज निधन हो गया। इस बारे में जानकारी देते हुए शाहजादा खान ने बताया कि उनकी माताजी पिछले लगभग एक साल से बीमार चल रही थी। इसी क्रम में इलाज के दौरान कल उनका देहांत हो गया। खबरों में आगे बता दें कि शनिवार को जिले भर से 87 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई। वहीं 180 लोगों को कोरोना से ठीक कराकर उसे घर भेजा गया, जबकि जिले में अभी कुल 1195 कोरोना पॉजिटिव का एक्टिव केस है। वहीं अगली खबरों में बता दें कि जिले भर में लगातार कोविड-19 के नियमों का पालन करवाने हेतु मास्क चेकिंग एवं अन्य प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं। खूंटी जिले की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ गुंजन।